हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास मैक्सलिंक का 360, ये MTK एंड्रॉयड कार स्टीरियो है, 360 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस प्लेयर के हेल्प से मैं ये बताने वाला हूँ कि आप यदि आपके प्लेयर में वाईफाई का स्ट्रेंथ, यदि उसका सिग्नल वीक आता है और आपका इंटरनेट स्लो चलता है, तो आप उसको कैसे स्पीड कर सकते हो, कैसे बूस्ट कर सकते हो सिग्नल को। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले मैं आपको इंटरनेट कनेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो अभी राउटर लगा हुआ है वाईफाई का, या फिर आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट भी हो सकता है, वो अभी 2 मीटर के रेंज पे रखा हुआ है। बट मैं यहाँ पर जब कनेक्ट करूँगा, ये कनेक्ट हो रही है, कनेक्टेड। बट इसका जो स्ट्रेंथ है, पास में ही राउटर है बट कम आ रही है, तो आपको इसको कैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो कैमरा वायर होगी RCA, उसकी ये बैक कैमरा की RCA, ये 360 है, इसमें अलग कनेक्टर लगेगा। बट आपको बैक कैमरा यदि इसमें नहीं लगा रहे हो सिंगल कैमरा, फिर भी आपको ये वायर, ये RCA लगाना होगा, क्योंकि इसमें 2 वायर है, एक वायर ब्लूटूथ के लिए एंटीना होती है और एक वायर वाईफाई के लिए एंटीना होती है। तो आपको क्या करना है, दोनों वायर को थोड़ी थोड़ी सी इसकी कवर हटा देनी है इस टाइप से, और इसमें कोई पावर वगैरह नहीं आता है, लगभग ये ग्राउंड के इक्वल है, बस एंटीना पर्पस यूज होता है। तो ऐसे कवर हटाने के बाद आप क्या करो, एंड्रॉयड में जहाँ पर इसकी सॉकेट है, ये इस सॉकेट में इसको प्लग कर देना। प्लग करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी स्ट्रेंथ फुल हो जाएगी और आपका इंटरनेट भी इसमें बहुत स्पीड चलने लगेगा पहले के कंपैरिजन में। यदि पहले आपका वीडियो वगैरह बफरिंग हो रहा हो तो आप ऐसे ट्राई करना, इससे आपका ब्लूटूथ का भी रेंज बढ़ जाएगा। यदि ब्लूटूथ पे वॉइस की क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, आप पीछे सीट पर हो और क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो आप ऐसे ट्राई करना, प्लस में वाईफाई के लिए भी यूज कर सकते हो। थैंक यू।